नमस्कार, असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मानवीय विभत्सता और निकृष्टता का क्रूर प्रदर्शन और दिल दहला देने वाली बोरोलैंड में आदिवासी नरसंहार की स्टोरी के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। अकारण गोलीबारी, 5 वर्ष के निधि शिशु के शरीर में 10-10 गोलियां दागी गई। धिक्कार है ऐसी घिनौनी कार्रवाई पर। जल रहा है बोरोलैंड, छटपटा रहे हैं लोग। जल रहा है बोरोलैंड, छटपटा रहे हैं लोग। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में परस्पर एकता और भाईचारा पूरी तरह टूट गया है। जाति, धर्म और भाषा के नाम पर निरीह लोग मारे जा रहे हैं। असामाजिक तत्व जाति, धर्म, क्षेत्रीयता आदि की रक्षा का ठेकेदार बनकर बर्बर और जघन्य कार्रवाई कर रहे हैं। हिंसा प्रति हिंसा की आग में मानवीयता जल रही। सरकार संवेदनहीनता के भाव से इस मसले पर पेश आते हुए उग्रवाद से सख्ती बरत नहीं पाती है। इसी की परिणति है बोरोलैंड में चाय जनजाति के लोगों का हुआ सामूहिक नरसंहार। NDFBS उग्रवादियों ने 6 दर्जन से ज्यादा निरीह लोगों की एक तरह से सामूहिक हत्या कर दी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जीरो टॉलरेंस की बात कहकर विश्वास जगाने की कोशिश की है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं, हमारे कोकराझार संवाददाता किशोर मिश्रा ने यह रिपोर्ट भेजी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आइए देखते। जो घटना घटित हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है और भारत सरकार ने इसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों की इस संबंध में बातचीत हुई है। इस घटना को मैं एक साधारण मिलिटेंसी के द्वारा की गई घटना नहीं मानता हूं, बल्कि इसे मैं एक्ट ऑफ टेरर मानता हूं। और टेररिज्म के प्रति जैसा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, वही पॉलिसी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम अडॉप्ट करेंगे जो इस प्रकार का नरसंहार करते हैं, इस प्रकार का मैसेकर करते हैं, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह हम लोगों ने फैसला किया है। जो इस प्रकार का नरसंहार करते हैं, इस प्रकार का मैसेकर करते हैं, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी, यह हम लोगों ने फैसला किया। आपको देखा गया था बॉर्डर डेवलपमेंट बॉर्डर डेवलपमेंट और एरिया डेवलपमेंट के बारे में वही हमारी चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। सर, आपको देखा गया था माउरिस इलाका में, माउरिस एरिया में आप गया था, तो ये तो माउरिस इलाका भी नहीं है, आप जा सकता था जो जगह है, दो जगह जाना है, एक ही जगह, मगर वो लोग आपके लिए इंतजार कर रहा था, बोलेगा डेलीगेशन आया था, उनसे बातचीत हुई, रिप्रेजेंटेटिव आए थे और हमारे यहाँ पर श्री जुएल उराव हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वह यहाँ रुक रहे हैं, वह कैंप में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और वहाँ से अपनी रिपोर्ट वो हम लोगों को सबमिट करेंगे। जो स्पॉट है, लेकिन जो स्पॉट है वहाँ पर पैदल चलना पड़ेगा, जो स्पॉट है निश्चित रूप से ऑपरेशन जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जुएल उराव ठहरे भी और विभिन्न पक्षों से बातचीत भी की। इधर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी इस मसले पर गंभीरता दिखाने की बात कही। आइए पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने क्या कही। When information we got it, they didn't give it that Adivasi will be attacked. This is what, as far as I know. But they didn't give it that it will attack the Adivasi. Information is the same. Even the IB, as far as I checked up with the army also, with everybody else. You see, they also say, it was mentioned that it attacked, you see, because Adivasi was attacked long time back. It was attacked in 1988. After that, it was not attacked. So it was not specific places also. Time is almost same, but nobody can do it. That's also no, but even the 2 hours, they couldn't go. Neither army could mobilize, you see. Now they let them inquire into why army couldn't go, why my police will couldn't go.
definitely will inquire. You see, according to them, they didn't have a katne at the same time. They say it takes few hours to go reach the places. They are not staying in the never. They are deep in the jungles. My police, everybody's. That explanation is for everybody. So, let there be an inquiry where the lapses are there. You have to find out where our lapses, if there's a lapses or deficiency. You see, somebody said the roads were not there. Somebody said deep in the jungle. They say many places it takes more than 2 hours also. That is their experience because they are in the field. In fact, yesterday also I told Unified Command where all are there. If there is any lapses or any deficiencies, if there is some lack of infrastructure has standing on your way, because ultimately you have to find out the reason, so what role the government of Assam should play, what role the center should play. You see, he said, this is their jobs. I have been telling, unless we don't want a paka roads, at least you must have a road so that police can, otherwise having even army, having a police force is no use unless they can move very quickly, you see, and a state agency to come, because they also realize. That's why, you see, they are providing so much of army and all these facilities. That agreement was taken place by the NDA government. Which year is the agreement was signed? Why blaming Congress government? He said if they did it, I agree also that I didn't oppose. Why they are blaming? We have been taking, we don't say that we have not taken. You see, we have taken also. If there is a violation, anybody can take. You see? If there is a violence, the army is also there. CRPF is also there. There is a lot of complaint against the central forces also. You see, even before Home Minister, lot of place complaining against them also. But I'm not justifying it. Complaints are there. Complaints are against my forces. Complaints are against the central forces also. They complain before the Home Minister, before this. I also have a complaint. Not that I don't know, but I don't want to go into this. This is not the time to put blame this. Deficiencies are there everywhere. You see, we want to deal with farming. He's sitting in Myanmar. I am 100% sure. If the central government can deal with him, I cannot deal with him. That exact place, I am 100% sure. If the central government can deal with him, I cannot deal with him. Intelligence, my intelligence and their intelligence, nothing. It's a two different committee. Intelligence reports are same. Maybe slightly here and. And not only that, he said there is a system, SMAC they call. All should sit together. It is not IB, state government, purpose, what you call, agency censor. They all, it is not that one is the responsibility of everybody. Nobody can say, if the IB, what they have informed. Whether if my intelligence, what they have gone. Nobody can, you see, shirk the responsibility. Nobody should play that game also. आइए अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उस मंगलवार की शाम जब पूरी दुनिया में क्रिसमस पर्व मनाने की धूम मची थी, उस समय असम के बोडोलैंड में उग्रवादी मासूम लोगों की हत्या किए जा रहे थे। बोडोलैंड इलाके के गांव में एनडीएफबी संबंधित गुट के कथित उग्रवादी मासूमों के खून की होली खेल रहे थे। सोनितपुर, उदालगुड़ी, चिरांग और कोकराझार जिले के गाँव में अचानक आकर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए दूध मुहे बच्चों, महिलाओं समेत 6 दर्जन मासूम आदिवासियों की हत्या कर दी। बीटीएडी क्षेत्र में इस प्रकार के सामूहिक नरसंहार की बात कोई नई नहीं है। इस बार आदिवासियों की हत्या हुई। इससे पहले मई में इसी क्षेत्र में 50 तथा 2012 में 100 मुसलमानों की हत्या कर ली गई थी। इससे पहले 2009 में इसी तरह सीमावर्ती गाँव में 12 नेपालियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें मरने वालों का दोष इतना भर था कि वे चाय बगानी, मुसलमान या नेपाली थे। आइए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, इसके कारणों तह में चलते हैं। एनडीएफबीएस के चेयरमैन आई के संबिजीत के दावों को अगर सत्य माने तो उसके अनुसार आदिवासियों के इस नरसंहार के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। संबिजीत का दावा है कि यह काम राजनीतिक हित साधने के लिए राजनीतिकों का करवाया हुआ है। हालांकि बीटीएडी क्षेत्र में होने वाली इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे के राजनीतिक कारणों को नकारा नहीं जा सकता है। मई 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद 4 दर्जन से ज्यादा मुसलमान
इसीलिए मौत के घाट उतार दिए गए थे कि मुसलमानों का वोट इस क्षेत्र के किसी दल विशेष को नहीं मिला था। इससे पहले भी बीटीएडी क्षेत्र में हुए नरसंहार में राजनीतिक संलिप्तता की आवाजें आई थी। इस संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने तो खुलकर आरोप लगा दिया है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। হওয়ার আগতে মই কৈছোঁ যে 90 মাত্ৰ 11 জন চাহ বাগিচাৰ মানুহ উঠাই গুচি যোৱাৰ কাৰণে অসমত প্ৰেচিডেণ্ট ৰ'ল। তেওঁলোকৰ ক্লিটো কি আছিল যে আলফাৰ থ্ৰেটনিং, আজিতো থ্ৰেটনিং বুলি কথা নাই, আজি মানুহ মাৰি পেলাইছে, কিলিং হৈছে, মানুহ গাঁও ইখনৰ পিছত সিখন জ্বলাই দিছে, তাৰপিছত আৰু কি লাগে। কিন্তু সেই যে যিটো লিবাৰেল পলিচি তেওঁলোকে লৈছে, আজি বোধহয় কোব্ৰা মিলিটেণ্টে কাৰ কোনোবা যে ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া কোনটো মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই, তেওঁ কৈছে যে আমাক 3 বজাতে আৰ্মীয়ে কৈছে যে তোমালোকৰ গাঁৱত এনেকুৱা ঘটনা হ'ব, গতিকে তোমালোকে গাঁও এৰিব লাগে। গতিকে সেইটো যদি আৰ্মীয়ে কৈছে, তেওঁলোকৰ ইউনিফাইড কামাণ্ড ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত থকাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ডিউটি আছিল টু প্ৰটেক্ট দেয়াৰ লাইফ এণ্ড প্ৰপাৰ্টি, ইনফৰ্মেশ্যনটো পাছ কৰাতকৈ, কিন্তু সেইটো কৰা নাই। গতিকে ডেফিনেটলি পলিচি চাগে বেলেগ হৈ আছে আটাইকেইটাতে। এতিয়া নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত যেতিয়া এটেক হৈছে, ঘৰ জ্বলাইছে, তেতিয়াতো তাত CRPFৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্যাৰামিলিটাৰী ফৰ্চ আছে, তাতো কোনো একশ্যন লোৱা নাই। গতিকে হোৱাট ইজ এ পলিচি, আলফা ডিল কৰোঁতে এটা পলিচি, NSCNক ডিল কৰোঁতে এটা পলিচি, আৰু NDFB ডিল কৰোঁতে সংবিজিতৰ ৰূপক এটা বেলেগ পলিচি, আৰু গাৰু মিলিটেণ্টো আছে। গতিকে সেইটোৱে কেতিয়াও প্ৰব্লেমটো চল্ভ নকৰিব, যি ৰুলেই নাথাকক নকৰে। গতিকে সেইকাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এটা ডেফিনিট পলিচি ল'ব লাগিব। আৰু পিপি সিঙে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কালি কৈছে যে আমি কণ্ডিশ্যনেল টক আমি নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কণ্ডিশ্যনেল টক নকৰোঁ বুলি ক'বলগীয়া হ'লে কণ্ডিশ্যন কিবা দিব লাগিব ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপে, কি কণ্ডিশ্যন, দেট শুড বি দ্য পাব্লিক। আমাৰ সোনপুৰ সংবাদদাতা জয় কুমাৰ ঝা দেখা ৰহে হে কি কিছ প্ৰকাৰ উগ্ৰবাদীয় নে বৰ্বৰতা কি, আইয়ে দেখতে হে। জয় কুমাৰ ঝা, देखिए यहाँ पर किस प्रकार, ये देखिए धान, ये इसमें से देखिए आग, ये आग में से ये धान निकल रहा है, ये देखिए किस प्रकार ये दुष्कृतिकारियों ने, ये उपद्रवियों ने किस प्रकार से ये धान को ये जलाकर ये खाकर डाला। और यहाँ पर जो है एक भी प्रशासन के कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये देखिए कोई पुलिस प्रशासन या कोई पुलिस ऐसा या कोई फौजी, जबकि ये गृह मंत्री द्वारा ये जो है विश्वनाथ चौराली सर्किट हाउस में दिनांक 23 तारीख ये नरसंहार के बाद में उन्होंने इस तरह से भाषण देकर गए थे कि यहाँ पर जो है ऑल आउट ऑपरेशन चला जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक भी कोई मौजूद नहीं है। আপোনালোকে সুধিছে কাৰণে মই কৈছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিটো পৰ্যায়ত পৰ্যালোচনা কৰা পৰ্যায় হ'ব, এই পৰ্যালোচনা কৰা পৰ্যায়ত আমি এই কথাবিলাক উত্থাপন কৰিম। অকল লখিমপুৰ নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ সীমান্ত ৰাজ্যত, সীমান্ত যিবিলাক অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাকত কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো দেখা গৈছে। আপুনি যদি অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্তলৈ যায়, এইবিলাক সীমান্তবাসীতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে প্ৰশাসনৰ গাফিলতি কিহৰ কাৰণে হৈছে চাব লাগিব। কেৱল চহৰ উন্নয়ন নহয়, চহৰ উন্নয়নৰ কথাটো তেওঁলোকে যাব নালাগে। আজি যে পুলিচ যাব পৰা নাই, প্ৰশাসন যাব পৰা নাই, আজি কিয় কথাত ওলাইছে, আজি ৰাস্তা যে ওলাইছে, আজি কিয় ওলাইছে, ইমান দিনৰ পৰা সীমান্ত উন্নয়ন বৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ইমান টকা এলটমেণ্ট হৈছে, ক'ত গৈছে, এইবিলাক কথাও কিন্তু চাব লগা আছে। আনুষাংগিকভাৱে এইবিলাক এটা প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত বিষয়ে, প্ৰশাসনে ইয়াত গাফিলতি কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে দৰকাৰ পৰিলে হেলিকপ্টাৰ দি পেলাই যাব লাগিব, তেওঁলোকে মানুহক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ যিহেতু সামৰ্থ্য আছে, সেনাবাহিনী আছে, আৰু সেনাবাহিনীয়ে ডাইৰেক্টলি প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ নহ'লে তেওঁলোকে নেযাব, সেনাবাহিনীৰ কথাৰ কামটো বেলেগ। গতিকে ইউনিফাইড কামাণ্ডৰ যিবিলাক পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চ আছে, নিজৰ ফৰ্চ আছে, এই ফৰ্চক কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নাই কথা কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, আৰু এইটো কথা পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কিন্তু ইয়াত ডেফিনেটলি আমি কথা কৈ দিছোঁ। এইমাত্ৰ কিন্তু শান্তি সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰাটো বেছি দৰকাৰ, শান্তি সম্প্ৰীতি মানে বৰ্তাই ৰখাটো বেছি দৰকাৰ হৈছে, আৰু মানুহখিনি যাতে জীৱন আৰু নিৰাপত্তা পায়, শিবিৰত থকা মানুহ যাতে সকলোকে ঘূৰি যাব পাৰে তাৰ বিষয়ে। কিন্তু পুলিচে এতিয়া বা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যি লাগে পাৰ্লিমেণ্টৰী ফৰ্চ, এতিয়া 55 কোম্পানীজ আৰু 30টা কোম্পানী আহি গ'ল, যোৱাকালি আহি গৈছে অসমত। পৰহি ৰাতি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই মনোহৰ পাৰিকৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ মিটিঙৰ কথা পাতি উইদিন 2 আৱাৰ্ছ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰ্মি ডিপ্লমেণ্টৰ কাৰণে তেখেত ষ্টেপ লৈছিলে। আজি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পাৰা নাই, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে পাৰা নাই, এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট খুঁজিব লাগিব। কিন্তু মই যিমানখিনি এজ এ MP লোকেল MP হিচাপে যিখিনি কৰিব লাগে, দিল্লীত মনোহৰ পাৰিকৰ লগ ধৰি উইদিন 2 আৱাৰ্ছ পৰহি সন্ধিয়া ঘটনা ঘটিছে, 8টাৰ ভিতৰত মই আৰ্মিৰ ইয়াৰ ডিপ্লমেণ্টৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰাইছোঁ। আর যোগালি এয়ারপোর্ট আকো ডিফেন্স মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়াক লগ ধরি তো গোয়ালে গই আছিল, যেমন আর্মি লাগে দিব লাগিব, প্রত্যেক মানুষ আমি সুরক্ষা দিব লাগিব, আর যেগুলো মানুষ ক্যাম্পত আছে তোমাকে উভতি পঠাব লাগিব, নিজের ঘরে নিজের মাটি আছে, সম্পত্তি আছে, ধানর
ধান এরি আছে ঘর এরি আছে গরু গাঁর এরি আছে সেই সুরক্ষিত ভাবে যাতে চুরি নয় সেই প্রটেকশন পুলিশে বা এডমিনিস্ট্রেশন দিব লাগবে। তো সৌটালি সৌটালি তো দুষ্টিকারী নে ইহা জ্বালা দিয়া বাদ মে আকে আর্মি লোক সামনে সামনে হয় ওলোক কুছ নাই কর সকতা হয় ওলোক এক ঠু ঘর মে মানে বৈঠা হয় ওলোক মে ডিউটি নাই করতা হয় আর ওলোক জো ডিউটি মে আয়া ওলোক তো ধান তো অভি জল গিয়া সব পুরা মানে ভস্মি হো গিয়া আর ঘর কিনা সব জল গিয়া আর ইহা মে মকান সব সামনে ওয়ালা ঘর ভি সব জল গিয়া। পুলিশ আর্মি কো আপ কব সে নাই দেখা ইহা পে কব দেখা? পুলিশ পুলিশ কর্মী তো হাম তো লেকে আকে আমি অভি পুলিশ কো হাম একে সাথ মে লাকে আয়া টাউন সে অভি অভি তো ইহা ডিউটি করকে অভি ফির চলা গিয়া। দিনাঙ্ক 23 তারিখ ইয়ে নরসংহার কে বাদ মে আজ দেখিয়ে ये कौन सा गांव बताया ये आपने? ये गजन मैनाजली ये सोतिया समस्ती के सोनितपुर जिले के ये सोतिया लास्ट गाबरू ये सोतिया लास्ट गाबरू के पास में ये नरसंहार के बाद में आज यहाँ पर देखिए ये कहा जाता है कि किसी त्रिपक्षीय का ये यहाँ पर इस तरह से ये हाथ है या किसका हाथ है ये अब तक देखिए कोई अनुसंधान नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए एक भी यहाँ पर पुलिस या प्रशासन या आर्मी यहाँ पर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं कैमरा पर्सन पंकज के साथ रंगापाड़ा जेके झा। इस प्रकार के नरसंहारों के बाद आरोप प्रत्यारोप तेज हो जाता है और उग्रवादी अगले कार्रवाई की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जिस भी समुदाय को निशाना बनाया जाता है उसके बाद प्रतिशोध पूरा करने के लिए उस समुदाय का अलग उग्रवादी संगठन बन जाता है। सन 2007 में गुवाहाटी में आदिवासी प्रदर्शनकारियों पर हुए हमले के बाद से लगातार असम के चाय जनजातियों के बीच माओवाद के सक्रिय होने संबंधी खबरें आती रही है। चाय जनजातियों से संबद्ध 5 उग्रवादी संगठन बने हुए हैं। हालांकि यूपीए सरकार के समय में इनसे युद्ध विराम की घोषणा करवाकर बातचीत शुरू की गई थी। इसी प्रकार मुसलमानों पर लगातार होने वाले बोडो हमले के कारण इस क्षेत्र में मुस्लिम उग्रवादी संगठनों ने पांव फैलाना शुरू कर दिया। नवंबर में असम पुलिस ने वर्धमान ब्लास्ट के सिलसिले में मुस्लिम बहुल बरपेटा नलबाड़ी तथा धुबरी से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JBM के 11 आतंकवादियों को पकड़ा। राज्य के गृह विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार JBM मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम तथा हरकत उल मुजाहिदीन के अलावा अन्य 5 मुस्लिम उग्रवादी संगठन राज्य में सक्रिय हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हालांकि NDFP उग्रवादियों के साथ सख्ती से पेश आने की बात कही है। बोडोलैंड क्षेत्र में अब शांति स्थापना की मांग जोर पकड़ने लगी। हमारे कोकराझार संवाददाता किशोर मिश्रा ने इस पर वीडियो फुटेज पूर्वोत्तर में प्रायः सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व के नाम पर एक से अधिक उग्रवादी संगठन बने हुए हैं। बहुसंख्यक असमिया समुदाय के प्रतिनिधि के नाम पर अल्फा तो बोडो के नाम पर NDFP। इसी प्रकार कोच राजवंशी कार्बी दिमासा आदि के नाम पर अलग अलग संगठन बने हुए हैं। इन सब के बीच CPI माओवादी तथा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में अपना पांव पसारने की जुगत में है। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार असम में माओवाद का बीजारोपण
तिनसुकिया, गोलाघाट, धेमाजी, लखीमपुर आदि जिलों में हो चुका है। नागालैंड और मणिपुर में भी ये पैर पसारने की जुगत में है। समुदाय विशेष को निशाना बनाकर जिस प्रकार नरसंहार हो रहा है, उससे माओवादियों को इसका फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। पूरे क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ ही सेना तथा अर्धसैनिक बल के जवान उतार दिए गए हैं, लेकिन भूटान से सटा 350 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र उग्रवादियों के लिए स्वर्ग समान है। आइए देखते हैं रिपोर्ट में आगे। इन आतंकवादियों को पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि यह घना जंगल है, जिससे यह अरुणाचल की सीमा होते हुए नागालैंड और मणिपुर के रास्ते म्यांमार में घुस जाते हैं। वहीं भूटान सीमा से सटे विश्व धरोहर मानस अभयारण्य से उग्रवादी भूटान में घुस जाते हैं और सुरक्षा बल हाथ मलकर रह जाते हैं। हालांकि केंद्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भूटान तथा म्यांमार की सरकारों से इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस हमले के बाद 72,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित होकर सुरक्षित स्थानों कैंपों में चले गए हैं। पहले से भी बोडोलैंड के हिंसा पीड़ित शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में शरणार्थी शिविरों में लोग नारकीय स्थिति भोग रहे हैं। लोगों की जान माल को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही सरकार ने ऊपर से आदिवासी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी, जिससे आदिवासियों का क्षोभ और अधिक बढ़ गया और आग में घी की तरह काम किया। अंग्रेजों ने 200 वर्ष पहले चाय की खेती करवाने के लिए इन आदिवासियों को झारखंड, उड़ीसा, मद्रास आदि से यहाँ लाया था, लेकिन ये आज भी नारकीय जीवन जी रहे हैं। इन्हें भूमि तक का अधिकार नहीं मिल पाया है। और तो और, चाय कंपनियां भी इसका लगातार शोषण करती आ रही हैं। महज 110 रुपए दैनिक मजदूरी पर इन्हें 8 घंटे जानवरों की तरह खटाया जाता है। राशन के नाम पर भी हमेशा इनके साथ छलावा किया जा रहा है। ये बेचारे जाए तो जाए कहां, एक बगान से दूसरे बगान, एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते फिरते हैं। कभी बगान का तो कभी स्थानीय जिला प्रशासन उनका घर अवैध कर उजाड़ देता है। वहीं अभी भी उन्हें बाहरी कहकर उनके साथ उपेक्षित बर्ताव किया जाता है। ऊपर से रहा सहा कसर उग्रवादी पूरा कर देते हैं। इस कड़ाके की ठंड में बेचारे आदिवासी तथा उनके साथ साथ बोरो, मुसलमान, अबोरो, निरीह लोग राहत शिविरों में दोहरी मार झेल रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। एक और अस्पतालों में यथोचित इलाज के अभाव में लोग बेमौत मर रहे हैं। ऊपर से राहत शिविरों में भूख और ठंड से तड़प कर मासूम मरते जा रहे हैं। मानवता शर्मसार हो रही है। ऐसे मौके पर सभी को सरकार से हाथ बटाकर स्थिति से निपटने में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।